अब्दुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद है, यूट्यूबर, नए यूट्यूबर है माशाल्लाह से, मोहम्मद अब्दुल्ला, ये आज पता करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? राड़ा मछली है, इसका प्राइस है 200 रुपए किलो। आपको दिखा रहे हैं इनकी शॉप की मछलियाँ, आप देख लेंगे। मछली कौन सी है? मगुर। ये गुल्फा मीरा सही डांगरी, इसके क्या है? 500 रुपए किलो है पोपट, 500 रुपए किलो है, बड़ा पोपट है। ये हफ्ते वाले दिन की सारी मछलियाँ रखी हुई है भाई की दुकान के ऊपर। अच्छा, इनके पास मछली के अंडे भी रखे हुए हैं। ये 1500 रुपए किलो है झींगा ये वाला, पर इनके माशाल्लाह है दांत भी बहुत अच्छे हो रहे हैं। सारी सारा माल इनके पास मौजूद है, अब इनसे रेट पता कर लेते हैं इनके पास कौन सी मछली। काला गुन के क्या बोल रहे हो? 400 रुपए पोपट का गोभी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। 20 के ये सुरमई 1500 रुपए किलो फाइनल है, 1500 रुपए। 1300 अभी जा रहे हैं शिकार के ऊपर। ये सारा सामान इन्होंने डोर कांटे ले लिए और झींगा दो दरिया के ऊपर बिल्कुल हल्के रेट से थेलो। बड़ी मछली का दाना अगर लगाना है हमें, जैसे बड़ी मछली हमें पकड़नी है, तो उसके लिए दाना कौन सा है? निकालना पड़ता पत्थर के नीचे घुस के इंतजार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 21 अक्टूबर का दिन है, हफ्ते का दिन है, और मैं मौजूद हूँ मछली मार्केट के अंदर। अभी चलते हैं और मछली मार्केट के रेट देखते हैं हफ्ते वाले दिन 21 अक्टूबर को क्या रेट मछली मार्केट में चल रहे हैं। सबसे पहले तो हम मिल लेते हैं ये मोहम्मद यूसुफ भाई, सामने मौजूद है, इनकी मछली के रेट पूछ लेते हैं। और ये जो मछली के रेट पता करेगा वो मोहम्मद अब्दुल्ला भाई हमारे साथ मौजूद है, यूट्यूबर, नए यूट्यूबर है माशाल्लाह से, मोहम्मद अब्दुल्ला, ये आज पता करेंगे। ये इनकी शॉप है, आपको दिखा रहे हैं इनकी शॉप की मछलियाँ, आप देख लेंगे। बताएं, ये धंधिया मछली है 200 रुपए किलो है। ये धंधिया मछली है 200 रुपए किलो है। ये गोई मछली है 400 रुपए किलो। ये गोई मछली है 400 रुपए किलो। और ये दामा से 500 रुपए किलो है। ये दामा से जो 500 रुपए किलो है। ये सुलेमानी है जो 500 रुपए किलो है। ये सुलेमानी है ये 500 रुपए किलो है। ये गूंदे ये 600 रुपए किलो है। ये गूंदे ये 600 रुपए किलो है। ये झींगा है 1000 रुपए किलो है। ये झींगा है 1000 रुपए किलो। और ये वाले झींगे, ये झींगा 600 रुपए किलो। ये झींगा 600 रुपए किलो देख रहे। और आप भाई अपना नंबर बता दें। 0318-11-57-578। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है? ये मछली सिंगाड़ा है 200 रुपए किलो। ये वही कहलाता है सिंगाड़ा मछली है, इसका प्राइस है 200 रुपए किलो। और ये बाटा मछली है, ये बाटा मछली है, इसका प्राइस है 350, इसके प्राइस है 350 रुपए किलो। और ठीक है, ये मछली, ये धनिया मछली है, इसके प्राइस क्या है? 300 रुपए किलो इसके प्राइस है। और ये साफी कहलाते हैं, ये साफी कहलाते हैं, इसके प्राइस क्या है? प्राइस है 250। और ये मिक्स है, ये मिक्स है, ये बड़ा धनिया है, ये काला धनिया है, ये बड़ा धनिया जी, और ये काला धनिया है। इसके प्राइस क्या है? इसकी प्राइस 400। इसके 250। इसके 250। ये व्हाइट गुन है, 6 किलो का दाना है। इन भाई के पास मौजूद है, क्या रुपए किलो है? 800 रुपए किलो। और ये इससे नीचे जो बड़ी वाली रखी हुई है वो भी 800 रुपए किलो है। और ये फिंगर एकदम लगाएगा तेरे लिए 700 रुपए सही है। और ये कौन सी मछली का फिंगर है? गिस्सर का, ये रिंजी का, ये रिंजी का है सही है। ये वाला ये 800 है, ये वाला 800 है। और ये पापलेट, काला पापलेट, पापलेट उठाओगे? क्या बोल लो, पापलेट के काले पापलेट 1500 रुपए किलो है। ये काला पापलेट है 1500 रुपए किलो, इन भाई के पास मौजूद है। व्हाइट पापलेट 2200 रुपए, इससे बड़ा भी है 3500, वो नहीं है, है किधर? ये 3500 रुपए किलो है, ये 3500 रुपए किलो है। व्हाइट पापलेट सही। धोतर के क्या बोल रहे हो? धोतर 1000 रुपए किलो है। और ये बड़ी वाली जो रखी हुई है, ये वाली, ये बड़ी वाली 800 रुपए किलो है। ये बड़ा गिस्सर है 800 रुपए किलो। मछली कौन सी है? मगुर। ये नसीम भाई है, क्या रेट दे रहे हो यार? इसके मीठे पानी की है ना, ये मीठे पानी की है, 500 रुपए किलो है। ये गुलफाम भी है, गुलफाम हीरा, गुलफाम हीरा
सही, इसके क्या दे रहे हो? इसका क्या रेट है? 450 रुपए गुलफाम हीरा के। ये मुराकी 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 इसके क्या है? 350 रुपए। ये तो बड़ी डाटी है, कतला है, कतला टांगरी। इसके क्या है? 500 रुपए किलो है। ये देख सकते हैं बड़ा दाना है, 500 रुपए किलो। ये रोहू है, रोहू के क्या है? 550। अच्छा, रोहू की खासियत क्या होती है? मुंह छोटा होता है ना। इसके क्या रेट दे रहे हैं? मीठे पानी की ये वाली मछली छोटा रोहू है, छोटा रोहू है 350 रुपए। और ये वाला 350 रुपए। ये सब मीठे पानी की है। सही है, ये सब मीठे पानी की मछली है इनके पास मौजूद। भाई का नाम क्या है? नूर आलम भाई हैं, जिनके पास मीठे पानी की मछली होती है। ये मछली मार्केट के अंदर मौजूद है, जो कि मछली मार्केट मौजूद है नियर दारुलूम कोरंगी के पास। ये सारा माल मीठे पानी का है। अच्छा, इनके पास मछली के अंडे भी रखे हुए हैं, जो कि ये 100 रुपये पाव दे रहे हैं। काला गुन के क्या बोल रहे हो? 400। ये नहीं भाई हैं काले गुन के 400 रुपये। और ये वाली के? सिंगाड़ा के क्या बोल रहे? 300 रुपये सिंगाड़ा है। डामा की सर क्या बोल रहे हो? 250 रुपए किलो। पोपट पोपट के क्या बोल रहे? 400 रुपए। पोपट का गोभी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश हो रहा है। 20 kg कहेंगे, चार तरफ काटा नहीं। सही है, क्या बोल रहे हो आप? प्लेट के 500 रुपए किलो। सही है, दंदिया को गोश भी दिखाना ना। ये दंदिया है, दंदिया 11 रुपए किलो है। 400 रुपए हो जाएगा। सही है, बोतल भी है। ये 250 रुपए किलो है। धोतर भी है। धोतर के क्या है? धोतर 500। 500 रुपए किलो है। देने वाला 400 रुपए किलो हो जाएंगे। ये सिंगारा है, ये बड़ा सिंगारा है। इसकी क्या बोल लो? ये 300 रुपए किलो है। सही, ये हफ्ते वाले दिन की सारी मछलियाँ रखी हुई हैं भाई की दुकान के ऊपर। ये देख सकते हैं, ये बड़े दाने रखे हुए सारे। ये सारी मछलियाँ रखी हुई हैं ये हफ्ते वाले दिन के। काला गुन भी रखा हुआ है। अब इनके प्राइस मालूम कर लेते हैं, इन मछलियों के क्या क्या प्राइस हैं और कौन कौन सी मछली इनके पास मौजूद है। जी जनाब, पीला पर वाला दंदी है, 1-1 किलो का दाना है, 350 रुपए किलो। 350 रुपए किलो है। सही, और ये गिस्सर है, गिस्सर 300 रुपए किलो है। 300 रुपए किलो। और ये धोतर है, धोतर लोगे 350। 350 रुपए किलो धोतर है। सही, गिस्सर भी 350। 350 रुपए गिस्सर। और सुरमई भी 350। सुरमई भी 350 रुपए। खालिस गोश्त एक कांटे का, एक कांटे का है खालिस गोश्त। सही, और हीरा लोगे, हीरा भी 350, बड़ा बड़ा हीरा खालिस गोश्त वाला काटा माटा, ये भी 350। 350 रुपए। और पोपट भी है, पोपट है तोता परी खालिस गोश्त वाला। इधर इस तरह, हाँ इस तरह जरा करना। हाँ बस तोते की तरह मुंह होता है ये। पोपट है तोता परी, ये 350 रुपए किलो। सही, गोश्त वाला 350 रुपए। 350 रुपए पोपट है। कुन लोगे? कुन भी 350, बड़े बड़े कुन। ये काला कुन है? काला कुन है 350। उठाओगे इसको काले कुन को? बड़े बड़े दाने 350। सही, और छोटा का 300। छोटे के 300। सही, और ये 3 दांत वाला मुश्का है। ये 3 दांत वाला मुश्का है, ये भी ये देख सकते हैं, इसके 3 दांत हैं। ये 3 दांत वाला मुश्का है। और ये वाला कौन सा? ये वाला रेड स्नैपर हीरा, रेड स्नैपर। इसके क्या बोल रहे हो? 400 रुपए। सही, इस वाले के डाटी कौन सा? डाटी का डाटी, ये बड़ी दांत, बड़ी डाटी है ना, बड़ी डाटी। ये भी 400। ये भी 400। सही, और ये मुल्ला डांगरी है। ये मुल्ला डांगरी है, मुल्ला डांगरी। सही, मुल्ला डांगरी 400 रुपए। सही, और ये आखिरी जो रखी हुई आपके पास, आखिरी ये तो आता ही नहीं है फिलहाल, ये होता है ग्वादर से आता ही है। मुल्ला हीरा है। मुल्ला हीरा, ये आता ग्वादर से। ये देखो दस का दाढ़ी भी है। हाँ, मुल्ला हीरा। सही। अच्छा, नंबर बता दो यार अपना। नंबर 0315-10-94-839। सही,
हफ्ते वाले दिन के रेट है सारे मछली के, जो कि भाई के पास मौजूद हैं, मोहम्मद उस्मान भाई के पास मौजूद हैं। ये हफ्ते वाले दिन के सारी मछलियाँ रखी हुई हैं इनके पास। अभी दूसरी शॉप पे चलते हैं, इन भाई से मालूम कर लेते हैं। इनके पास मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, यहाँ पे मुर्गियाँ भी आके ले सकते हैं आप। जी जनाब, इसके क्या रेट है? डामा किस सर है? डामा किस सर है? 250 रुपये। सही। सही। और दंडिया 250, बड़ा बड़ा दंडिया है। 250 रुपये दंडिया के। सही। ताज़ा फ्रेश। सही। और ये भी ओरिजिनल किस्से है। सही। 250। ये भी 250। सही है। ये भी डामा किस्से है, बड़ा वाला। सही। 280। सही है। ये काला कौन है? व्हाइट गोश्त कटते है, 350 है, 280 लगा। सही है। और ये हीरा, ये हीरा है, चकोरी लग भी हीरा है। इसका 250। सही। और तुम्हारे पास वो नहीं है यार, ये जो एक्स्ट्रा हो जाता है इसकी क्या करते हो तुम लोग? इससे फीड बनते हैं मुर्गी का। मुर्गी का फीड के लिए तुम लोगों ने रखी है, जब भी तुम लोगों ने अपने वहाँ मुर्गियाँ भी रखी हुई है। मुर्गियाँ भी है, देसी मुर्गी भी है। सही है। अब चलते हैं दूसरी शॉप के ऊपर। हाँ दोस्त, क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ कैसे? ठीक हो? और रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? बेहतरीन है रिस्पॉन्स। अभी तो आया हूँ। कौन सी दंडिया काट रहे हो? ये दंडिया काट रहा हूँ दोस्त। सही है। एक काटे की दंडिया बेहतरीन, ओरिजिनल वाला। सही। कर रहा है, दो दो कर बेटा। आप सुनो, इसकी भाई की बना रहा। अच्छा, ये दूसरी शॉप के ऊपर आ गए हैं ये भाई के पास। नाम क्या भाई? महमूद भाई के पास आ चुके हैं हम लोग। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, पोपट के रेट क्या दे रहे हैं महमूद भाई हफ्ते के? जी जनाब, 500 रुपये पोपट, 500 रुपये किलो है, बड़ा पोपट है। और इसके बाद गिस्सर के क्या बोल लो? 350 रुपये देने वाला 300। सही है भाई। और इसके बाद ये बड़ा डंडिया नेरा, नेरा क्या बोल लो इसके? 500 चला रहे, मगर देने वाले 400 रुपये। सही है। और ये छोटा वाला दहिया के क्या है? 300 रुपये चला रहे, 250 रुपये देते हैं। सही है। और ये वाली? ये भी डंडिया है, नेरा है। सही। 300 रुपये ये भी। सही है। और ये छोटी वाली बंगड़ा, कौन सी बंगड़ा? सही है। इसके क्या बोल लो? 250 रुपये। साफ पीस है बिल्कुल, देख सकते हैं फ्रेश माल है बिल्कुल। चुन्नी किस सर? सही है। इसके क्या बोल लो? 400 देने वाला 300। 300 रुपये किलो है। और ये वाले दहिया है। सही है। नंबर 0300 आगे, 22 आगे, 02 आगे, 891। सही है, थैंक यू। अभी हम लोग आ गए नेक्स्ट शॉप के ऊपर, मोहम्मद अजीज भाई की शॉप के ऊपर। इनके माशाल्लाह दांत भी बहुत अच्छे हो रहे हैं, तो इनके पास सारा माल मौजूद है हफ्ते वाले दिन 21 तारीख के ऊपर। ये देख सकते हैं, ये सारा माल इनके पास मौजूद है। अब इनसे रेट पता कर लेते हैं इनके पास कौन सी मछली है और कितने की है। जी सर, मोहम्मद अजीज भाई संगरा, क्या रेट है? 800 रुपये किलो। और ये वाली डांगरी है, 1200 रुपये किलो। 1200 रुपये किलो डांगरी है। ये वाली गोली मुश्का, ये भी 1200 रुपये किलो है। 1200 रुपये किलो गोली मुश्का है। और ये वाली डाई है, ये 800 रुपये किलो। 800 रुपये किलो है। सही। ये डामा किस सर है? ये 700 रुपये किलो। ये 700 रुपये सारा फ्रेश माल है आपके पास? इसका बेबी कर जाते हो? हां, इसका बेबी कर जा। सही है। ये अमरूस है। सही है। क्या नाम बोला? अमरूस। हां, शाबाश। क्या रेट है? 600 रुपये। और ये वाला छोटा वाला 400, ये 16 पीस है, 400 रुपये किलो है। ये 600 रुपये किलो है। ये बांगड़ा है, क्या बोल लो बांगड़ा के? बांगड़ा 300। सही है। और ये भी काट कौन सी रहे हो? गोली मुश्का काट रहे हो? दिखाओगे उठाकर अपने हाथ में? करो 5 मिनट। अरे दादा, एक कांटे की है। एक कांटे की मछली है भाई। ये देख सकते हैं गोली मुश्का काटी है भाई ने।
बड़ी मेहरबानी। 1200 ये 1500 ये 1500 रुपए किलो है झींगा ये वाला, ये देख सकते हैं बड़ा झींगा है, और ये 1000 रुपए किलो है ये झींगा। ये झींगे देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश झींगे हो रहे हैं। ये मछली मार्केट में इन भाई के पास झींगे मौजूद हैं ये वाले, और इनके पास मछलियाँ भी रखी हुई हैं। मछलियों के रेट क्या क्या है? सारम 450 रुपए किलो है, दंदिया 400 रुपए, गिस्सर भी 400 है, मुई मच्छी 500 रुपए किलो है, मुई सही है। थैंक यू। ये कौन सी मछली है? ये दंदिया है। दंदिया के क्या बोल रहे हो? 700 रुपए किलो। और ये वाली? ये मुश्क 800 रुपए किलो। और ये? ये गिस्सर है 750। 700 रुपए। और ये? सुरमई 1500 रुपए किलो। फाइनल है 1500 रुपए? 1300 रुपए फाइनल है इसके सुरमई के। ये सुरमई ये देख सकते हैं, ये रेड स्टार पर है। क्या बोल रहे हो इसके? 850 रुपए। और ये? दंदिया ये वाला 600 रुपए। और ये मुश्का 400, ये वाला 350। सही है। और ये पापलेट 1200 रुपए, ये 1200 रुपए। और व्हाइट वाला? 1600। सही है। और ये वाला 750। सही है। अपना नंबर बता दो जरा भाइयों को। 0318-2346592। सही है। थैंक यू यार, ये इनका नंबर है, आप इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अरसलान भाई मौजूद हैं जो कि अभी जा रहे हैं शिकार के ऊपर। ये सारा सामान इन्होंने डोर कांटे ले लिए और झींगे भी ले लिए, और शिकार के लिए इन्होंने छोटी मछली भी ले ली है। और ये अरसलान भाई मौजूद हैं। सर, शिकार करने की जो स्ट्रेटजी होती है वो क्या होती है? भाई दो दरिया पे तो नया शिकारी नहीं चलेगा। सही है। लांच के ऊपर नया शिकारी भी जाएगा, छोटे कांटे में चारा लगा के डाले, हुक करने की भी जरूरत नहीं है, मछली होगी खुद ही हुक हो जाती है। सही है। अच्छा, दो दरिया के ऊपर बिल्कुल हल्के रेट से खेलो आप। हफ्ते में 2 दिन मछली लगती है बड़ी वहाँ, बाकी आप वो कौन कौन सा दिन है? किसी भी दिन लगती है, पता नहीं होता मछली। अच्छा, किसी भी ग्राउंड पे आएगी वो, गिस्सर भी आएगा, बड़ी मछलियाँ भी आएंगी, आपको लगेंगी। अच्छा, कोई भी इसमें मीनाकारी नहीं है कि छोटा शिकारी है या बड़ा शिकारी है, हर बंदे को लगती है। अच्छा, मछली कौन सी ज्यादा लगती है? मछली वहाँ पे गिस्सर ज्यादा लगता है। अगर बड़े का खेल लो आप और छोटे का खेल लो तो दंदिया भी लगेगी आपको, बोई भी लगेगी, सब लगेगा, दंदिया और बोई। इसके लिए लगाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अगर मछली, बड़ी मछली का दाना अगर लगाना है हमें, जैसे बड़ी मछली हमें पकड़नी है, तो उसके लिए दाना कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? भाई देखो, बड़ी मछली के लिए एक ये बोई चलती है। अच्छा, बड़ी मछली के लिए। सही है। और दूसरे नंबर पर बड़ी मछली के लिए हम ये लगाते हैं खग्गा, पूरा पूरा खग्गा, पूरा खग्गा लगा देते हैं। अब इतना बड़े खग्गे के ऊपर कम से कम 8-10 किलो का दाना उठेगा। अच्छा, तो वो आप डोर की मदद से ही बाहर निकाल लेते उसको? बिल्कुल निकल जाती है। तंग तो बहुत करती होगी? तंग तो करती है थोड़ा बहुत, उसको ये है कि खिलाना पड़ता है। अच्छा, निकल जाती है, मतलब खेल के निकालना पड़ता है उसको? खेल के निकालना पड़ता, पत्थर के नीचे घुस के इंतजार करना पड़ेगा आपको। अच्छा, निकलने का आप ज्यादा दूर लगाओगे टूट जाएगी। ये दो दरिया की बात कर रहे हैं हम लोग, और ये लॉन्च पे अगर होंगे हम लोग? लॉन्च के ऊपर तो बड़े दाने का कोई मसला ही नहीं है, उसको खिला दे रहा हो आप। अच्छा, तक के ऊपर आ जाएगा दाना, खींच लो आराम से। सही है, लेकिन आपके पास डोर इतनी होनी चाहिए कि आप खिला सको। अब बाज शिकारी जोर लगाते हैं ज्यादा, डोर टूट जाती है, क्योंकि मछली मारती है झटका, पलटी मारती है एकदम। हाँ। जब पलटी मारती है ना, तोड़ देती है वो डोर। सही, सीधा सीधा से शिकार है, कोई मीनाकारी नहीं है इसमें। ये नहीं है कि वो यार वो बड़ा शिकारी है, बड़ा शिकारी कोई भी नहीं होता भाई, जाते बहुत ज़्यादा वो लोग। अब जो बंदा हफ्ते में 6 दिन जा रहा है शिकारी के ऊपर, तो उसको तो मछली 2 दिन तो लगती है, अरिया भाई लगती है। सही है, सही है ना। अब जो बेचारा जा रहा है महीने में एक बार, उसको लगे नहीं लगे ख्वार उठ ही आता है। हम लोग इतने अरसे से शिकार खेल रहे हैं, हमें भी ख्वारी हो जाती है कभी कभार, कभी कभार इतना अच्छा शिकार होता है कि सारे पैसे वसूल हो जाते हैं हमारे। सही, लांच पे जाओ आप या किसी भी चीज़ पे जाओ, शिकार का आप कुछ नहीं कह सकते कि अच्छा होगा या बुरा होगा। हफ्ते में 2 दिन की मैं गारंटी देता हूँ आपको, 2 दिन किसी भी पॉइंट पे जाओ आप, शिकार होगा। चले, सही है, बड़ी मेहरबानी अरसलान भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि ये मार्केट कहाँ पे मौजूद है। ये मार्केट मौजूद है कोरंगी दारुलूम लांडी नंबर 5 के ऊपर, मच्छी मार्केट के नाम से मौजूद है। और आप किसी से भी आगे पूछेंगे कि बंगाली मार्केट कहाँ पे मौजूद है लांडी नंबर 5 पे, बंगाली मार्केट का किसी से ही पूछ लें, वो आपको आराम से गाइड कर देगा और एड्रेस के साथ। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे को इसी मार्केट के अंदर और नेक्स्ट प्राइसेस के साथ, के नेक्स्ट सैटरडे क्या प्राइसेस होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।